बीजेपी ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें उज्जैन के वाल्मीकि समाज से आने वाले संत उमेश नाथ महाराज का नाम भी शामिल है। उमेश नाथ जी महाराज वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास RSS प्रमुख से लेकर अमित शाह तक आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। सिंहस्थ महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संत उमेश नाथ जी महाराज के साथ समरसता नहान भी किया था। उमेश नाथ जी महाराज ने कहा, मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन मस्तिष्क में जो विचार किया है, उसने जो एक बड़ी जवाबदारी और दायित्व सौंपने का मन बनाया है, मैं संपूर्ण देशवासियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ और संत होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ। आगे की चर्चा विस्तार पूर्वक मैं बाद में बताऊंगा। समस्त अवंतिका वासियों को खूब सारा आशीर्वाद है। इस दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। महाराज जी, राज्य सभा सांसद चुना गया है, आप सदस्य चुना गया है, कैसा लग रहा है आपको? जैसी जानकारी मिली तो बधाई देने वाले भी आ रहे हैं। अभी तो भगवान महाकाल की मैं पूजा अर्चना में हूँ और मुझे जैसा रोज लगता है वैसे ही लग रहा है। महाराज जी, अब आगे क्या रणनीति रहेगी समाज? मैं किसी भी रणनीति के विषय में आपसे बात करना नहीं चाहूंगा। अभी केवल भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे और जो भी वहां से जो ये मेरे जीवन का पहला कदम रहेगा, तो बगैर समझे तो रणनीति किधर बनाएंगे, इसलिए पहले समझेंगे और उस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे मन वचन कर्म से। अभी तो पूरे शहर में सभी को जो यहाँ निवास करते हैं, जन जन को इसकी बधाई होनी चाहिए, इसकी प्रसन्नता है, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो केवल अभी इतना ही करूँगा और कहूँगा कि जिन महापुरुषों ने मिलकर के इस निर्णय को अंतिम रूप दिया है, मैं संत होने के नाते श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से उनको आशीर्वाद देता हूँ और हम सब लोग मिलकर के देश के लिए और आने वाली जो कुंभ है उसके लिए खूब अच्छा सा काम करेंगे। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट।